जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने मंत्री संतोष सुमन के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शराब कांड को छोटी मोटी घटना बताना अशोभनीय है। आज स्थिति ऐसी है कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है, पूंजीपतियों के लिए कोई शराबबंदी नहीं है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, जनता से क्यों नहीं मिलते, वो सिर्फ बड़े अधिकारियों से मिलकर ही वापस चले जाते हैं। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। पहले तो हमारे दारू बंद करवाए, जो ओरिजिनल दारू जो पीते थे तो अब डुप्लीकेट चल रहे हैं। अब बंद भले आप करवा दिए लेकिन बंद हुआ नहीं, उसके कारण और बढ़ गया डुप्लीकेट चुप छुप हो रहा है, उसी के कारण ये डेथ हो रहा है। अगर जो ओरिजिनल होता तो पीता तो उसमें समस्या नहीं आता, लेकिन ये डुप्लीकेट चोरी छुपे चल रहा है, सस्ता में चल रहा है, इसी कारण हो रहा है, डेथ हुआ। और आप बोलते हैं उसके ऊपर रोक लगाना था, अगर जो आपने रोक लगाया तो बंदी करना था, अच्छे से बंदी करना था, भाई एक भी दारू ना बिके। अच्छी बात है कि खराब चीज़ है, नहीं पीना चाहिए, तो कम से कम आप पिता जब होता है, पुत्र गलत करता है तो पिता का काम है उसको रोकना, तो आप तो रोक तो पाने रहे, और ऊपर से बोलते हैं मरने छोटी मोटी गलती होते रहता है, मरते रहते हैं, जीते रहते, भाई काहे मरेंगे, को है उसका घर परिवार कौन देखेगा, गलती हुआ तो उसको मालिक कौन देखेगा, सुधारने की आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे सब मजदूर लोग, गरीब लोग मरते हैं, उसके लिए कोई ध्यान नहीं देते हैं। पैसा वाला तो कोई बड़े आदमी आपके तरह तो कोई मर नहीं रहे हैं, जो कि आप एक्शन लीजिएगा। तो मंत्री महोदय से हम निवेदन करते हैं कि इस तरह का बेतुक के बातें गलत है, इस तरह से ना बोला जाए और इस पर ध्यान दिया जाए, जो जहरीली शराब जो गलत शराब जो बेचता है उस पर रोक लगाए। तो झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 24 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 24 ऐप।